लो जी अपने अपने काम लग जाते हैं सारे सवेरे सवेरे। कोई भी सूट भेजना हो जी फिर सारा सूट वह दुपट्टा नाप सारा कुछ लिखना पैंता एक पेज पर ता कि जाके वह कंप्लीट हों। इधर आलू गले परौंठे बन वास्ते हरिया मिर्चा कट्टिया गई प्याज भी कट रहे हैं इधर मशीन लाई हुई कपड़े धोते जा रहे हैं इधर आप झल रहे हैं मैं भी पहला बर्फ मैं भी बर्फ ही सुने इधर जी आ किसी का ऑर्डर जाना कढ़ाइया का देख लो कि कढ़ाइया फ्राई पैन वगैरह सारा कुछ है ये जी किसी ने बाहर मंगाए ने जिमें अपने फ्राई पैन तवा कढ़ाही वगैरह हो गया फिर इन्होंने हजे ड्राइंग रूम के कलर करवाना तो आ जिमें आलू चौल सारा कुछ इतें रख रखे वादू का है। हाँ मासी जी भी राजवीर की हेल्प करते हैं मासी जी ने सारा पता भी है चाह लेने कड़ाही ये अड अड रखे हुए जी दो तीन दो जगह जाना है दो तीन जगह सत जी सारिया भैन अपने बीबी ने सूट दिखा रहे थे मैं भी इन्होंने शामिल हो गई। हाँ आप थोड़ी मैं भी आके बैठ दी दिखाने चक के जी ऐ नहीं पता लगता है बिना चक्के जॉर्जट के सूट ने जेडे आप दिखावे थोनू ये थोड़े जे बीबी जी वास्ते ड्राई क्लीन करने पैंदे ने नहीं सुंगड़ जाते ने हाँ मसलीन कॉटन का देखो जरा जॉर्जट का सूट है ये पर्पल जहा कलर है बहुत वधिया सूट है ये तो काफ़ी 10-12 सूट जा रहे थे कट्ठे तो आपने बिचे थोनू भांडे दिखाए ने जी बिचे आह कपड़े देखो कितना सोहना प्रिंट है यदा तो सूट ये दुपट्टा जिमें इन्होंने करना होगा कर देंगे पर जोड़े ये कॉटन के सूट ने बिना स्टिचिंग तो जाते हैं जी सिलाई करके अपना जिमें अगले समाण समा लेंगे कई बार सुंगड़ जाता या कई बार फिर कॉटन के तो सीधे लो दे दो हाँ। नहीं कोई स्टिचिंग वगैरह होंगी जॉर्जट का सूट है इनू मैं लगता है कोई डिजाइन डिजून ला के चुनी चनी करके सियाँगे इन तो उत्तर रखो ये आ गया ये कलर आ गया जी देखो यदि बॉटम आ सी कि प्यारा कलर है ना हाँ
मिठे मिठे रंग ने। हाँ इन्हें उत्तर रखो हूँ आप एक जोर जट चाह कलर दिखाने कि हाजा देखो सारे एक दूजे तो सोहने ने मेरे ना तो पिंक नहीं थी गुलाबी जो मेरा हाँ ये मासी जी को रखी जाने हैं फिर ये उन कहो कि आ कितना सोना रंग का रंग तो भी सारे एक तो एक नेरे बिच अलग पहले कितने सोने नेरे तो दिखा रही है मैं कॉटन कितने है भी जोर जाट है जोर जाट चुको है कलर अच्छा कॉटन था हाँ ते कॉटन दे आ देख अच्छा हाँ ये कॉटन ही प्योर कॉटन है बढ़िया ये ना बुरबार नहीं आता ये थोड़ी जी शाइन वाली भी है रंग तो एक तो एक ने उड़ी बेल बजी है भाई तेनों जादी तो कह रही हूँ एक मिनट वीर जी आ जाओ साइड तक ला दूंगी मैं अपना लास्ट कर लूंगा हाँ हाँ इधर गया था सामान ये तो जाने दी रंग तो ये छाड़ दो हाँ छाड़ते छाड़ते लो जी सूट तो आपां ने थोनू दिखाते ते विच थोड़ा जा साढ़े गाह पै गया सीगा फटाफट कोरियर वाले भाई आ गए तो भज दौड़ हो गई सी जी तां करके हूँ दिखाए तो बिल्कुल नज़दीक तो ने फिर आ शॉपिंग बीबी और मासी जी ने आप दे वास्ते करी है फिर थोन दस्या भी आ कहने वेचते रख लिया चप्पला नवीं ने जी पुरानियां नहीं है बीबी का थोड़ा जा है मासी जी कहने लैदर दी नहीं मैं लैके आँगी चामड़े दी लैके आनी उस पैर भखद है जी ये मासी जी ने करीम कलर दी नाले आह बीबी दिया ने काले रंग दी बीबी ने ब्लैक ही मंगाइया सी जी मासी जी ने क्रीम जहा कलर आ भी ये भी वधिया लग रही है आहो चल सियाने तो लाल रंग सोहना लगता ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਅੱਡੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ
गो। लो जी अपना मक्खन तैयार है। अपने क्रीम दी ना मैं मक्खन बना के एंड कर देना, फिर आप एक कॉलेज कर लेंगे ये क्रीम का मक्खन। देखो बन गया, कितनी छेती बन गया। जिम्मे किसी ने परौंठे नाल दही नहीं मिला तो मक्खन ले सकता है जी। ठीक है जी, एवं करके अपने सारी आह बना रहे हैं। आपां ने मिक्सी 'च जी आह मक्खन तैयार कर लिया, तो आप किसी भी परौंठे नाश्ते दे विच, मतलब जो भी कोई परौंठा परौंठा खाना है जिन्हें नहीं दही खानी तो वह मक्खन लै के नाल मक्खन ते लस्सी लै सकदा जी। ये लस्सी नहीं, आप दूजी लस्सी अलग बना लैने होंगे। ये तो जब आप मक्खन बनाने जब लस्सी बन जाती है यदा पनीर बन सकता, पर पनीर असी मझां का दुद्ध आ जाता जी उन्हों का ही बना लें। चिड़ी नाल लेके जाओ।